श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की संरक्षक और प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने असामाजिक तत्वों पर इतिहास को विकृत करने का आरोप लगाया है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में महावीर सिंह सरवड़ी ने कहा कि लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतिहास को विकृत कर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आजादी के बाद तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने भी पश्चिम परस्त इतिहासकारों का उपयोग कर इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया, जिसका दंश संपूर्ण समाज दशकों से झेल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुर्जर क्षेत्र को गुर्जर जाति के साथ जोड़कर सम्राट मिहिरभोज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराजा अनंगपाल समेत राष्ट्रीय नायकों को गुर्जर घोषित करने का षड्यंत्र चल रहा है। उसमें महाराणा प्रताप की महत्ता को घटाने वाली बात तो रख दी, महाराणा प्रताप की महत्ता को बढ़ाने वाली बात हटा दी गई। अब्दुल रहीम खान खाना जो वहां अकबर की तरफ से भेजा गया था, वो कहीं लड़ाई में इधर उधर गया हुआ था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी ने उनका जो निवास स्थान था जहां पर उन्होंने डेरा डाल रखा था, वहां हमला किया और उनकी सारी बेगमों को अरेस्ट करके लेके आ गए। जब महाराणा प्रताप के सामने ये बात आई तो बहुत नाराज हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने औरतों को ये इस तरह अपना दुश्मन माना। हमारी दुश्मन नहीं है ये, हमारे दुश्मन वो हैं, इसलिए इनको वापस छोड़ के आओ और तुम खुद जाओगे। अगर इसके बदले में वो तुमको मार देते हैं तो भी परवाह नहीं, लेकिन तुम जाओगे छोड़ने के लिए। अमर सिंह खुद गए और छोड़ के आए और उससे प्रभावित होकर वही अब्दुल रहीम खान खाना रहीमदास बन गए। ऐसी महत्वपूर्ण बात को हटा दिया गया।